मोदी क्या है? मोदी मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। ये उनका परिवार है। अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं, मेरी पल पल की खबर देश रखता है। और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था। कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। अठारह वर्षों से देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, पराजय की कुंठा,
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास से कमतरी से बावस्ता होकर जितने भी प्रकार के ओछे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं है। उनके समुदाय, उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ, यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है, यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों, यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है, अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती,